नमस्कार बच्चों, मैं सीमा ओझा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम खंड अ के अंतर्गत हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, राजनीतिक सहभागिता। खंड अ के अंतर्गत हमारा ये तीसरा अध्याय है, इकाई दो का। इसके अंतर्गत राजनीतिक सहभागिता, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले यह देखेंगे कि सहभागिता का क्या अर्थ होता है। सहभागिता का अर्थ है लोगों का एक साथ शामिल होना, या किसी भी चीज में लोगों का उसमें सम्मिलित होना, सहभागी होना, उन चीज़ों में लोगों की रुचि होना, यह सब क्या कहलाएगी? सहभागिता। तो अब हम देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता का क्या अर्थ होगा, कि ऐसा कार्य या ऐसा जिसमें कि जनसाधारण द्वारा राजनीति में सहभागिता करना, राजनीतिक कार्यों में सहयोग करना और राजनीतिक प्रक्रियाओं में अपना भाग लेना, वो सब क्या कहलाएगा? राजनीतिक सहभागिता कहलाएगा। अब हम सबसे पहले राजनीतिक सहभागिता का अर्थ देखते हैं। तो राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य है कि जनसाधारण की राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण भागीदारी को ही, अर्थात शासन प्रणाली में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी को ही राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। अर्थात राजनीतिक सहभागिता का क्या अर्थ हुआ कि शासन के विभिन्न स्तरों, विभिन्न स्तरों कैसे, जैसे कि केंद्र स्तर है, राज्य स्तर है और स्थानीय स्तर है। अर्थात केंद्र स्तर में कैसे अपन सहभागी होंगे कि अगर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव में हम किस प्रकार से सहभागी होते हैं, कैसे मतदान का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से राज्यसभा, राज्यसभा में राज्य विधानसभा चुनाव में हम किस प्रकार से मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, विधानसभा के सदस्यों का चयन करते हैं, उसी प्रकार से तीसरा स्तर ग्रामीण स्वशासन स्तर, जिसमें हम पंच सरपंच के चुनाव वगैरह में हम कैसे भाग लेते हैं, कैसे हम सहयोगी होते हैं और कैसे हम मतदान के द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी होते हैं। तो इन सब का सम्मिलित रूप से क्या अर्थ कहलाएगा कि लोगों का अधिक से अधिक शासन प्रणाली में भागीदारी को ही क्या कहेंगे? राजनीतिक सहभागिता कहेंगे। अब हम देखते हैं राजनीतिक सहभागिता के रूप, के भाई इसके कितने रूप हैं। तो राजनीतिक सहभागिता के दो स्वरूप पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है विकासपरक राजनीतिक सहभागिता और दूसरा स्वरूप है इसका लोकतांत्रिक राजनीतिक सहभागिता। अपने यहाँ पर कोर्स में ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ पॉइंट्स रूप में ही समझाया है। अब हम देखते हैं राजनीतिक सहभागिता एवं नागरिक चेतना, अर्थात नागरिकों की चेतना, नागरिक किस प्रकार से राजनीतिक सहभागिता में सहयोगी होते हैं। तो नागरिक चेतना से आशय है उनका शैक्षिक स्तर, विचारधारा, पृष्ठभूमि आदि किस प्रकार की है। अर्थात अगर कोई देश है और वहाँ पे अधिक से अधिक लोग शिक्षित है, उनकी विचारधारा उच्च श्रेणी की है, अपने देश के प्रति, उनके शासन के प्रति उनका क्या रवैया है और उनका व्यक्ति का शैक्षिक स्तर किस प्रकार का है, तो यह सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगा? राजनीतिक सहभागिता में लोगों का अपना, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कितना उसमें सहयोगी हो रहे हैं, कितना वो उसमें अपना रुचि ले रहे हैं, वो सब चीज़ें इसमें शामिल होगी। इसी प्रकार लोगों का शैक्षिक स्तर कैसा है, उनकी नवीन चेतना का विकास कैसे हो रहा है, जिससे कि उसे देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का और उत्तरदायित्वों का ज्ञान होता है। अर्थात लोगों का शैक्षिक स्तर किस प्रकार का है और लोग किस प्रकार से अपने कर्तव्यों के प्रति और उत्तरदायित्वों के प्रति रुचि जागृत रखते हैं और किस प्रकार से वह एक अड़ग नागरिक की तरह रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। जिन देशों का साक्षरता का स्तर ऊंचा होता है, वहाँ के नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता का उतना ही अधिक व्यापक होती है। अर्थात जिन जिन देशों में नागरिकों का शैक्षिक स्तर ऊंचा होगा और वहाँ पर अपन कहते हैं ना कि प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होगी, शैक्षिक स्तर होगा, गरीबी, बेरोजगारी ऐसी चीज़ें नहीं होगी, तो वहाँ पर क्या होगा? राजनीतिक सहभागिता भी अधिक होगी। इसी प्रकार
छोटे देशों के नागरिकों का वहाँ के जन प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष संपर्क भी रहता है। अर्थात जो जो छोटे देश है जहाँ पर जनसंख्या कम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों का अपने प्रतिनिधियों के साथ में स्पष्ट संपर्क रहता है, वो उनके साथ में निरंतर संपर्क में रहते हैं, जनसभाएं वगैरह आयोजित करते रहते हैं, तो वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता भी अधिक होती है। यही कारण है कि एशिया और अफ्रीका के देशों की बजाय यूरोपियन देशों के नागरिकों की अधिक राजनीतिक सहभागिता पाई जाती है। अर्थात जहाँ जहाँ पर आप देखते हैं कि अपन देखते हैं कि एशिया और अफ्रीका आदि जैसे ये देश है, इनकी तुलना में यूरोपियन लोगों की नागरिक सहभागिता अधिक पाई, क्योंकि यह देश छोटे छोटे भागों में विभक्त है, तो वहाँ पर लोगों की राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई जाती है। तो आपने ये देखा होगा कि राजनीतिक सहभागिता और नागरिक चेतना, इसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि जहाँ जहाँ पर नागरिकों का शैक्षिक स्तर ऊँचा होता है और गरीबी बेरोजगारी ऐसी चीज़ें नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी कैसा होगा, ऊँचा होगा। अब हमारा दूसरा बिंदु हम देखते हैं राजनीतिक सहभागिता का अभिजातीय स्वरूप, अर्थात राजनीतिक सहभागिता में अभिजातीय वर्ग। अभिजातीय वर्ग मतलब कि हमने ये बताया है कि अभिजातीय वर्ग जो कि बहुत छोटे पैमाने पर है, परंतु जो कि सरकार की नीतियों को प्रभावशाली रूप से प्रभावित करते हैं, वो सब अभिजातीय वर्ग में शामिल हैं। अभिजातीय वर्ग से आशय है नौकरशाही, टेक्नोक्रेट, बड़े उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि, यह सब क्या कहलाएंगे, अभिजातीय वर्ग। राजनीतिक सहभागिता के अभिजातीय स्वरूप से तात्पर्य है कि शासन की सत्ता की भागीदारी में अभिजाति वर्ग का प्रभुत्व ही है, अन्यों की भागीदारी बहुत ही कम है, और इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आप देखो अभिजाति वर्ग मतलब नौकरशाही। नौकरशाही में आप देख लो आईएएस ऑफिसर है, आरएएस ऑफिसर है, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट है, बड़े बड़े इंजीनियर है, बड़े बड़े उद्योगपति है, वकील है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, जो कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, इनकी राजनीतिक सहभागिता में क्या भूमिका है, इसको हम दो तीन बिंदुओं के दायरे में समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु आएगा कि सर्वप्रथम जनता की सहभागिता की बात करें तो जनता की राजनीतिक सहभागिता मात्र जनप्रतिनिधियों को चुनने तक ही सीमित है। अगर हम कहें कि भाई जनता राजनीतिक सहभागिता में अपनी भूमिका निभाती है, जनता के द्वारा ही राजनीतिक सहभागिता होती है, तो अगर हम ये देखें तो जनता की सहभागिता कहाँ तक है, सिर्फ अपने जन प्रतिनिधियों का चुनाव करने तक है। वह सिर्फ वोट देते हैं और जन प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उसी में तक ही उनकी राजनीतिक सहभागिता हो जाती है। दूसरा बिंदु आता है कि अब जन प्रतिनिधियों की राजनीतिक सहभागिता की बात करें तो वे केवल अपने संख्या के बल के बल पर से ही केवल सरकार का निर्माण करने तक की सीमित है, जबकि सत्ता की वास्तविक शक्ति केवल पार्टियों के चंद सक्रिय और अग्रिम पंक्ति के व्यावसायिक नेताओं, मंत्रियों के रूप में उनके पास में सीमित हो जाती है। अगर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से जन प्रतिनिधियों का निर्माण किया जाता है, जन प्रतिनिधियों को अपन चुनते हैं, तो वो क्या होते हैं, संख्या में और बल के आधार पर क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। और जो पार्टी है, अगर कोई शक्तिशाली पार्टी है, तो उसमें जो सक्रिय नेता है और जो अग्रिम नेता, जो सक्रिय और बलशाली नेता है, वो अग्रिम पंक्ति में मंत्रियों के रूप में विराजमान हो जाते हैं। उसी प्रकार से अब मंत्रियों की सहभागिता की बात करें तो वे आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी आदि मामलों में विशेषज्ञ नहीं होने के कारण केवल सतही स्तर पर ही काम करते हैं और वास्तविक सत्ता के भागीदारी ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट की ही होती है, जो कि अभिजातीय वर्ग है। अब ये बात आती है तीसरे बिंदु में, एक चीज समझने वाली है यहाँ पे, क्या बात समझ में आती है कि सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं कि राजनीतिक सहभागिता में जनता ने अपना चुनाव दिया, वोट दिया, और उन्होंने अपने मंत्रियों का चुनाव किया, तो उन्होंने अपनी राजनीतिक सहभागिता पूरी की।
दूसरा बिंदु आता है जिसमें हमने जन प्रतिनिधियों का जो चुनाव हुआ और वरिष्ठतम नेता जो चुने गए हैं, अब वरिष्ठतम नेताओं तक ही राजनीतिक सहभागिता सीमित हो जाती है। वो अपना कार्य करते हैं और वो अपनी कुर्सी को संभालते हैं और अपनी कुर्सी पर विराजमान होते हैं, यहाँ तक उनकी सहभागिता होती है। वास्तविक सहभागिता कौन निभाता है? वह निभाने वाले होते हैं ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स, क्योंकि जो मंत्री होते हैं, जिन मंत्रियों को हमने चुनाव किया है, वह मंत्री वैज्ञानिक, आर्थिक, तकनीकी सब मामलों में विशेषज्ञ नहीं होते हैं। वास्तव में विशेषज्ञ कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स है, टेक्नोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? नौकरशाही लोग, जितनी भी नौकरशाही व्यवस्था है, जैसे कि IAS है, RAS है, जो कि हर मंत्री के नीचे लगे हुए होते हैं और मंत्री को कुछ भी कार्य करने की सलाह देते हैं, तो वास्तविक कार्य, वास्तविक सहभागिता कौन होती है? इन अभिजाति वर्ग की होती है। अर्थात वास्तविक रूप से ये अभिजाति वर्ग ही उन मंत्रियों को सलाह देते हैं कि आप ये कार्य करो, ये नहीं करो, क्योंकि मंत्री तो सतही स्तर पर कार्य करते हैं, ऊपरी स्तर पर करते हैं। वास्तव में शासन तंत्र का संचालन कौन करता है? ये ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स ही करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की में जनसाधारण की राजनीतिक सहभागिता अत्यंत सीमित है, जबकि अधिविजातीय वर्ग की राजनीतिक सहभागिता का पूर्ण बोलबाला है। अब यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि जनसाधारण अभिजातीय वर्ग की राजनीतिक सहभागिता समझाओ, तो आपका जो ये तीसरा बिंदु है यहाँ पर पूरा आता है कि भाई जनता सिर्फ जन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, वहाँ तक ही उनकी सीमित होती है। मंत्री अपनी कुर्सी पर आसीन हो जाते हैं, वहाँ तक उनकी सीमित होती है, जबकि वास्तविक सहभागिता किसकी होती है? अभिजातीय वर्ग की, क्योंकि आर्थिक है, तकनीकी है, वैज्ञानिक है, सब मामलों में विशेषज्ञ कौन होते हैं? अभिजातीय वर्ग ही होते हैं। अब हम देखते हैं राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप। स्वरूप के अंदर सबसे पहला बिंदु आता है सामुदायिक गतिविधि। इसके अंतर्गत समुदाय के सदस्य किसी भी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु जब मिलकर कार्य करते हैं, जैसे कि विरोध है, प्रदर्शन है, जुलूस है, हड़ताल है, धरना है, और धरने, प्रदर्शन इत्यादि ये सब करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सामुदायिक गतिविधि कहलाएगी। जब समुदाय के सभी लोग आपस में मिलकर अपने हितों को, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब कोई कार्य करते हैं, विरोध है, प्रदर्शन है, जुलूस है, धरना है, हड़ताल ये सब करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? सामूहिक प्रतिनिधि गतिविधि कहलाएगी। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु आता है सरकार एवं नागरिकों के बीच में परस्पर क्रिया। यह एक दो तरफा गतिविधि है जिसमें एक पक्ष की क्रिया करता है और दूसरा पक्ष क्या करता है? प्रत्युत्तर देता है। अतः इस प्रकार की राजनीतिक सहभागिता में नागरिक भी पहल कर सकते हैं और सरकार भी पहल कर सकते हैं। जब सरकार और नागरिकों के बीच में परस्पर प्रतिक्रिया होती है, तो इसमें नागरिक भी चाहे हो सकता है कि वो सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, और चाहे सरकार भी नागरिकों से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकती है, इसमें कोई भी पहल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूप। अब विभिन्न रूपों को अगर हम देखें तो इनके रूपों को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो आता है परंपरागत राजनीतिक सहभागिता और दूसरा आता है गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। दोनों को दो भागों में, नागरिक सहभागिता और राज्य सहभागिता में बांटा गया है। अब इसको हम एक तालिका के द्वारा अच्छे से देखेंगे। तो अब इसको हम देखेंगे तो ये हमने इसको दो भागों में बांटा है। एक तरफ तो हमारी आती है नागरिक सहभागिता, दूसरी तरफ आती है इसमें राज्य की क्या सहभागिता है। तो इसमें सबसे पहला बिंदु आता है सरकार या जन प्रतिनिधियों से संपर्क करना। अब हम इसका परंपरागत स्वरूप देखते हैं तो नागरिक सहभागिता में क्या आता है? नागरिक कैसे सहभागी होते हैं कि सरकार और जन प्रतिनिधि क्या करते हैं? जनता से निरंतर संपर्क करते हैं। और इधर राज्य सहभागिता कर देखते हैं तो राज्य क्या करता है? चुनावों का आयोजन करते हैं, राज्य द्वारा बार बार चुनावों का आयोजन करवाना।
दूसरा बिंदु आता है पत्र है, टेलीफोन है, साक्षात्कार है और संपादन के नाम और हस्ताक्षर और अभियान आदि, ये भी राज्य सहभागी नागरिक सहभागिता थी। अर्थात लोग किस प्रकार से नागरिक सहभागिता के रूप में सरकार की क्रियाओं में, जनप्रतिनिधियों में शामिल होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं पत्र लिखना है, टेलीफोन करना है, साक्षात्कार है विभिन्न मंत्रियों के, और संपादकीय नाम पर और हस्ताक्षर है, अभियान है, इसके द्वारा लोग कैसे राज्य की सहभागिता में भूमिका लेते हैं। और इधर राज्य क्या करती है, सार्वजनिक सुनवाई करना, अर्थात किसी भी समस्या है, कोई भी समस्या है तो राज्य सार्वजनिक सुनवाई द्वारा राज्य सहभागिता का अदा करती है। तीसरा हम देखते हैं दबाव समूह की गतिविधियाँ। कई बार ऐसा होता है दबाव समूह होते हैं, अपने कुछ हितों को लेकर जब कुछ लोग आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो एक दबाव समूह का रूप ले लेते हैं, जिनमें समान हित होते हैं, उनके समान गतिविधियाँ होती है, लक्ष्य होते हैं, और वो अपने लक्ष्य और हितों की पूर्ति हेतु जब सरकार पर दबाव डालते हैं तो उनको दबाव समूह कहते हैं। तो इन दबाव समूह की गतिविधि भी नागरिक सहभागिता का रूप है। और इधर सलाहकार परिषदों का गठन करना, यह राज्य सहभागिता का, अर्थात राज्य सहभागिता कई बार क्या करती है, सलाहकार परिषदों का गठन करती है और विभिन्न ऐसी समितियां बनाती है जो कि जनता की सुनवाई करे, जनता की समस्याओं का निदान करे। इसी प्रकार से पांचवा बिंदु हमारा आता है, चौथा बिंदु हमारा आता है राजनीतिक प्रचार अभियान में भाग लेना। जिस प्रकार से राजनीति में कोई प्रचार अभियान चलता है, किसी भी प्रकार के संदेश वगैरह चलते हैं, तो इसमें जनता किस प्रकार से उस भूमिका में भाग लेती है, उन प्रक्रियाओं में अपना काम करती है, तो वो सब नागरिक सहभागिता का रूप होगा। इसी प्रकार से परीक्षा मतलब कि किसी भी सरकार के द्वारा अगर किसी भी कार्य, कोई भी कार्य कराया गया है तो उस कार्य की वापस सुनवाई करना या उसका अवलोकन करना कि वह कार्य पूर्ण रूप से हुआ है या नहीं। इसी प्रकार से पांचों बिंदु देखते हैं तो सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ना और किसी भी प्रस्ताव को आरंभ करना और प्रत्याहार। इस प्रकार से ये पांच बिंदु आते हैं, इनका डिटेल में वर्णन आगे अपन करेंगे, अभी ही इसी ही पार्ट में अपन इनका वर्णन करेंगे। सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ना, अर्थात कोई भी सार्वजनिक पद है उसके लिए अगर कोई लोग चुनाव लड़ते हैं तो वो इसके अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से कोई भी प्रस्ताव है उसको आरंभ करना आरंभ कहलाएगा। प्रत्याहार मतलब अगर कोई मंत्री है और उनको जनता ने चुन लिया है और अगर वह मंत्री ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो उनको वापस पद से हटाना। तो यह सब बिंदु इसमें नागरिक सहभागिता में आएंगे कि इसमें जनता कैसे सहभागी होकर अपनी क्रिया करती है। अब हम देखते हैं गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता में हम इसके रूप देखें, वर्तमान गैर परंपरागत में क्या जाएगा कि जो परंपरागत में तो पुराने समय का, अब गैर परंपरागत में यानी नवीन समय में क्या अंतर आया है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो नवीन समय में अब जनता नागरिक कैसे सहभागी होते हैं, विरोध है, प्रदर्शन है, हड़ताल है, जुलूस है, धरना है आदि, इनका प्रयोग करके यह राज्य के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। इसी प्रकार से अगर सरकार सहभागी होती है तो वह विभिन्न राष्ट्रीय पर्व है, उत्सव है आदि का आयोजन करती है, इसके द्वारा वह आयोजन करके वह राज्य द्वारा उनका सहभागी होते हैं। इसी प्रकार से जनता सविनय अवज्ञा और राजनीतिक हिंसा, अर्थात जनता अगर अपने कार्य को मनवाना है सरकार पर दबाव डालती है, जैसे कि दांडी मार्च किया था गांधी जी ने, तो वो सविनय अवज्ञा अर्थात जनता पर दबाव डालकर अपने कानून मनवाना, अपनी बात मनवाना, तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कई बार राजनीतिक हिंसा का भी प्रयोग होता है, अगर अपनी बात मनवानी है तो कई बार जनता द्वारा बम है, हड़ताल है, जुलूस है और विरोध प्रदर्शन, गोलीबारी है आदि का भी प्रयोग किया जाता है। और इधर अगर हम देखें राज्य सहभागिता, तो इसमें विभिन्न अभियान चलाकर, जैसे टीकाकरण है, साक्षरता है, वृक्षारोपण है, यह अभियान चलाकर भी राज्य सहभागी होते हैं और जनता से प्रेरणा देते हैं। इसी प्रकार से कई बार सार्वजनिक दौड़ और मानव श्रृंखला, आपने देखा होगा कि ये अपने वसुंधरा राजे ने
मानव श्रृंखला का आयोजन किया था 26 जनवरी को, और इसके अंतर्गत उन्होंने भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है 1070 किलोमीटर बॉर्डर, श्री गंगानगर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर तक, इस बॉर्डर के ऊपर उन्होंने मानव श्रृंखला का आयोजन करके राज्य सहभागिता की अपूर्व परिकल्पना बताई थी। इसी प्रकार से प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और विभिन्न प्रश्नोत्तरी है, वाद विवाद है, चित्रकला है आदि का सामूहिक रूप से आयोजन करना भी राज्य सहभागिता का एक स्वरूप है, जिसमें राज्य किस प्रकार से सहभागी होते हैं और इसमें वह विभिन्न अपनी प्रतिक्रियाएं बताते हैं। अब हम देखेंगे राजनीतिक सहभागिता के साधन। यहाँ पे प्रश्न बनता है, साधनों के ऊपर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, राजनीतिक सहभागिता के अर्थ और इसके ऊपर प्रश्न आता है और साधन के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो राजनीतिक सहभागिता के साधन अगर हम देखें तो सबसे पहला इसके ये अभिकरण और साधन के नाम से जाना जाता है। तो पहला बिंदु आता है दबाव समूह। दबाव समूह ऐसे समूह होते हैं जो अपने किसी हित की पूर्ति हेतु संगठित होते हैं और अपने मत समर्थन द्वारा सरकार की नीतियों को जो प्रभावित करते हैं, यह दबाव समूह कहलाते हैं। विकसित देशों में ये बहुत ही प्रभावी होते हैं। अर्थात दबाव समूह ऐसे हित समूह होते हैं जो कि संख्या में बहुत छोटे होते हैं, परंतु यह अपने हितों, समान हितों को और जिनके समान लक्ष्य होते हैं, समान हित होते हैं, उन हितों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं और सरकार की नीतियों पर दबाव डालते हैं, उनको प्रभावित करते हैं और उनको अपने अनुकूल बदलने के लिए विवश करते हैं। यह सब क्या कहलाते हैं? दबाव समूह कहलाते हैं। तो राजनीतिक सहभागिता में दबाव समूह इसका पहला साधन है, जिसमें सब कुछ लोग अपने, जैसे कि अपन ने देखा होगा गुर्जर आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन होता है, तो गुर्जर आंदोलन ने भी क्या एक दबाव समूह की भूमिका अदा की, जिसमें जाट गुर्जर जाति के लोग सब इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन दिया और रेलवे ट्रैक जाम की और उन्होंने आरक्षण की बात मनवा ली और यह एक दबाव समूह का रूप धारण किया। इसी प्रकार से हम देखते हैं आरंभक। आरंभक अर्थात प्रस्ताव तैयार करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जनता स्वयं किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर विधानमंडल के पास में विचार हेतु या मतदान हेतु प्रस्तुत करती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आरंभक कहते हैं। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जनता स्वयं सक्रिय होती है और वह किसी भी कानून या कोई भी कानून में अगर संशोधन करना है तो इसके संबंध में अगर कोई प्रस्ताव तैयार करके राज्य विधानमंडल में उस प्रस्ताव को भेजती है तो उसको क्या कहलाते हैं? आरंभक कहते हैं। यह प्रणाली विशेष रूप से प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों जैसे कि स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। भारत में भी जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में निजी विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। तो आरंभक वाली प्रक्रिया ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाले देशों में, स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। इसी प्रकार से भारत में भी जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में निजी विधेयक प्रस्तुत करते हैं और इसके संबंध में नए कानून निर्माण की बात करते हैं। अब हम देखते हैं अगला बिंदु हमारा आता है प्रत्याहान। प्रत्याहान का शाब्दिक अर्थ होता है चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता द्वारा वापस बुलाना। कई बार क्या होता है कि जनता अपनी पसंद से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और चुनने के बाद में वह अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व जनता को लगता है कि यह प्रतिनिधि अगर जनता की आशाओं पर खरा नहीं उतरता है और जनता के हितों को पूर्ति नहीं करता है तो जनता क्या करती है? उनको उनके पद से हटाने के लिए उनको वापस बुला लेती है। अर्थात कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही उनको जनता वापस बुला लेती है, तो वो प्रत्याहान कहलाता है। जब जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो जनता एक प्रस्ताव पास करके जिस पर निर्धारित संख्या में उनके हस्ताक्षर जरूरी होते हैं तो वह प्रस्तुत करके
जनप्रतिनिधि को कार्यकाल से पूर्व ही हटा देती है। अर्थात जनता क्या करती है कि जिस प्रतिनिधि का उन्होंने चुनाव किया है वह प्रतिनिधि अगर जनता की हितों के अनुसार इच्छाओं के अनुसार पूर्व कार्य नहीं कर रहा है और मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है तो जनता क्या करती है कि एक प्रस्ताव पारित करके और उस प्रस्ताव पारित करके उसमें निर्धारित संख्या में हस्ताक्षर करवाती है लोगों से और उसमें उस जनप्रतिनिधि को कार्यकाल के पूर्व भी उनको हटा लिया जाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे प्रत्याहार कहा जाता है और यह व्यवस्था स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। सभी जितने भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर यह प्रचलित है जिसको प्रत्याहार कहते हैं और स्विट्जरलैंड में यह ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है। अब हम हमारा चौथा बिंदु देखते हैं, जन सुनवाई। जन सुनवाई अर्थात जन प्रतिनिधियों या अफसर सरकार जनता की विभिन्न समस्याओं को अभियान चलाकर जब जनता के समक्ष जाकर सुनती है तो इसे जन सुनवाई कहते हैं। जब सरकार स्वयं जनता के द्वार आकर जनता के पास समक्ष आकर जब जनता की समस्याओं का निदान करती है और उनकी समस्याओं को सुनती है तो इसे क्या कहते हैं, जन सुनवाई कहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मुख्यमंत्री, मंत्री, जनप्रतिनिधि, अफसर आदि अभियान चलाकर या दरबार लगाकर जन सुनवाई का कार्य करते हैं, जिस प्रकार से राजस्थान में भी है कि गांव प्रशासन गांवों की ओर और प्रशासन शहरों की ओर आदि इसके उदाहरण है। राजस्थान में हम देखते हैं जब ऐसे अभियान चलाया जाता है कि प्रशासन गांवों की ओर, प्रशासन गांवों की ओर, इसमें क्या होता है कि प्रशासन की बैठक गांव में लगाई जाती है और जनता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके जनता की समस्याओं का निदान किया जाता है और उनकी समस्याओं को सुना जाता है और हल किया जाता है। इसी प्रकार से प्रशासन शहरों की ओर, जिसमें शहरों में प्रमुख प्रमुख केंद्रों पर वहाँ पर प्रशासन के कैंप आयोजित किए जाते हैं और वहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुना जाता है, उसके निदान किया जाता है। तो इस प्रकार से जन सुनवाई द्वारा भी सरकार द्वारा जनता की परेशानियों को सुना जाता है और उनका निदान किया जाता है। अब हम देखते हैं अगला बिंदु आता है, सलाहकार परिषद। सलाहकार परिषद अर्थात सरकार अपने विभिन्न विभागों से जुड़े हुए कार्यों में विशेष पक्षों पर सलाह देने हेतु गणमान्य या विशेष योग्यता वाले नागरिकों का एक संगठन बना देती है जिसे सलाहकार परिषद कहते हैं। सलाहकार परिषद क्या करती है कि कुछ चुने हुए और गणमान्य अर्थात 65 या 70 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों का एक नागरिकों का एक संगठन बनाते हैं जो कि सरकार के विभिन्न विभागों से जो जुड़े हुए होते हैं वह जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन करते हैं। इस प्रकार से वो सब मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। अब हम देखते हैं परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य का शाब्दिक अर्थ होता है किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु जनता से उनकी इच्छा पूछना। अर्थात जनता उनकी क्या इच्छा है, किसी भी प्रश्न पर जनता से उनकी इच्छा को जानना। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार सार्वजनिक महत्व के किसी भी विशेष प्रश्न पर जनसाधारण से मतदान कराकर उनकी राय लेती है। अर्थात जनता क्या करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वजनिक महत्व का अगर कोई प्रश्न है और उसके ऊपर अगर कोई कानून बनाना है तो जनसाधारण से उनकी राय ली जाती है। उदाहरण के लिए हाल ही में यूरोपियन यूनियन की सदस्यता त्यागने के मुद्दे पर ब्रिटेन ने सीधे जनता से मतदान द्वारा राय ली और जनता से मतदान के अनुसार ही उसने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता बनने से इनकार कर दिया। परिप्रेक्ष्य अर्थात जनता में, जैसा कि इसमें उदाहरण दिया है, ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेने के लिए ब्रिटेन की संसद ने लोगों से परिप्रेक्ष्य के द्वारा जनता की राय मांगी और जब जनता ने अपनी राय दी
तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। अर्थात सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर जनता से सीधी राय लेना और जनता की राय के अनुसार ही जब सरकार वह कार्य करती है तो वह परिप्रच्छा कहलाएगा। अब हम देखते हैं अगला बिंदु हमारा सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा अर्थात जब किसी भी अन्यायपूर्ण कानून का आम जनता के द्वारा जानबूझकर और खुले तौर पर उल्लंघन किया जाता है तो इसे सविनय अवज्ञा कहते हैं। अगर कोई ऐसा कानून बन जाए जिसको कि जनता स्वीकार न करे और जनता के द्वारा उस कानून का उल्लंघन किया जाता है और उस कानून का विरोध किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, हम सविनय अवज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार से अब हमारा अगला बिंदु आता है राजनैतिक प्रतिहिंसा। राजनैतिक प्रतिहिंसा अर्थात राजनैतिक क्रियाकलापों में कई बार क्या होता है, उग्र प्रदर्शन होते हैं, धरने होते हैं, तोड़ाफोड़ी होती है और प्रतिहिंसा अर्थात तो जनता के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है जिसमें ऐसा उग्र प्रदर्शन होता है जिसमें वो तोड़फोड़ करते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसे राजनीतिक प्रतिहिंसा कहते हैं। तो ऐसी राजनीतिक प्रतिहिंसा बड़े बड़े देशों, बड़े बड़े शहरों में जब हम देखने को मिलती है जब चुनाव का माहौल होता है। चुनाव के समय कुछ राजनीतिक पार्टियां भी अपने हितों को, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन राजनीतिक प्रतिहिंसा का सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे 8 बिंदु हो गए इसके अंतर्गत के भाई राजनीतिक इसके साधन में दबाव समूह हमने पढ़ा, हित विभिन्न हमने आरंभक पढ़ा, परिप्रच्छा पढ़ा, प्रत्याहान पढ़ा और राजनीतिक प्रतिहिंसा पढ़ा। तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा पढ़ा और सलाहकार परिषद पढ़ी। तो इस प्रकार से हमने ये 8 इसके साधन पढ़े अलग अलग। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे कैसे ये सब मिलकर राजनैतिक सहभागिता में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं राजनैतिक सहभागिता का महत्व कि भाई राजनैतिक सहभागिता का क्या महत्व है। तो हम इसमें पहला बिंदु देखते हैं नागरिकों की सहभागिता से सार्वजनिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा होगी और समस्याओं के समाधान हेतु अधिक सुझाव प्राप्त होंगे। जब लोग अधिक सहभागी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी होंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी समस्या पर विस्तृत चर्चा होगी और उनसे लोगों द्वारा उन समस्याओं के समाधान के लिए अधिक से अधिक सुझाव दिए जाएंगे। जब कोई समस्या होगी, कोई विषय होगा और उसमें एक से अधिक लोग शामिल होंगे तो उसमें क्या होगा, सुझाव भी ज़्यादा होंगे। दूसरा बिंदु आएगा इसमें नागरिक सहभागिता से राजनीतिज्ञों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जा सकेगी और जिससे कि वे जनता के हित से संबंधित पक्षों पर अधिक ध्यान देंगे। अगर नागरिक सहभागिता होगी तो इसमें क्या होगा, जो राजनीतिज्ञ होंगे तो वे जो भी कार्य करेंगे तो उनकी गतिविधियों पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखी जाएगी और ज़्यादा नज़र रखी जाएगी तो जनता सिर्फ अपने हितों को और अपने अधिक से अधिक अपने हितों से संबंधित कार्य को करेगी। तीसरा बिंदु आता है नेताओं और नौकरशाहों द्वारा किए जाने वाले सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। अगर कोई नेता है और नौकरशाह है, बड़े बड़े अफसर हैं जो कि बड़ी बड़ी पोस्टों पर आसीन हैं और उनके द्वारा अगर सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है और किसी प्रकार की कोई रिश्वत वगैरह ली जाती है, भ्रष्टाचार पनपाया जाता है तो उसको रोकने में मदद मिलती है क्योंकि जनता स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा उन गतिविधियों में भाग लेगी, उस राजनीतिक सहभागिता में भाग लेगी तो उससे क्या होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। अब हम अगला बिंदु देखते हैं शासक और शासित के मध्य निकट संबंध स्थापित होगा जिससे कि लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। शासक और शासित इन दोनों के मध्य में क्या हो जाएगा, निकट संबंध स्थापित होगा। आपस में ये दोनों ही अपनी समस्याओं को सुलझाने में सहयोगी होंगे और दोनों ही साथ में अगर मजबूती से रहेंगे तो इससे क्या होगा, लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।
अब पांचवा बिंदु देखते हैं, लोगों की राजनीतिक जागरूकता में भी वृद्धि होगी। अगर राजनीतिक सहभागिता बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, लोगों का ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी और लोग अधिक से अधिक राजनीति में अपनी प्रक्रिया भाग लेंगे और उनको राजनीति के प्रति अधिक से अधिक रुचि होगी और वो शिक्षित होंगे। छठा बिंदु हम देखते हैं, शासन व प्रशासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगर राजनीतिक सहभागिता अधिक से अधिक होगी तो इससे क्या होगा, शासन व प्रशासन में विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण मतलब कि शासन की शक्तियों का बंटवारा, शासन की सत्ता का उपयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा और शक्तियों का ज्यादा से ज्यादा इसमें बंटवारा होगा, विभाजन होगा तो उसको बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीकरण में तो जिसमें केंद्र में ज्यादा सत्ता मजबूत होती है, परंतु इससे क्या होगा, सहभागिता से शासन, अपन देखते हैं ना कि शासन की शक्तियों का तीन स्तर पर बंटवारा हो रहा है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। और स्थानीय स्तर पर भी ग्रामीण स्वशासन की प्रक्रिया को अपनाया तो इसमें शक्तियों का और ज्यादा विकेंद्रीकरण हो गया, तो इस प्रकार से इसमें विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने ये छह रूप पढ़े जिसमें राजनीतिक सहभागिता का महत्व पड़ा। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, पहला प्रश्न बनता है राजनीतिक सहभागिता का क्या अर्थ है, दूसरा बनता है राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, अभिकरण के ऊपर चाहे कोई एक दो अभिकरण को लेकर प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर दो चार पांच अभिकरणों को लेकर चार पांच नंबर का प्रश्न बन सकता है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है महत्व पर, तो हमको ये अच्छे से याद करना है और इसको आपको पूरा वीडियो अच्छे से उतारना है। धन्यवाद।